नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की सिंह मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्रांत में और आप देख रहे हैं न्यूज। हाल ही में अभी हेमंत सोरेन ने बयान दिया है कि भाजपा वालों को तंज कसते हुए कि भाजपा वाले गीत की तरह फिर से गली मोहल्लों में जाएंगे और जातिवाद फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बटोरेंगे। तो यहाँ की जो तमाम जनता से जुड़ते हुए जानते सर क्या नाम है? सर आपने हेमंत सोरेन जी का बयान सुना था, बीजेपी वालों को तंज कसते हुए कहते हैं कि गीत की तरह गली मोहल्लों में जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बटोरेंगे, क्या कहते हैं? हेमंत सोरेन का क्या औकात है, वो अपने बहुमत से सीट जीतता है क्या कभी? आज कांग्रेस का जो है पैर पकड़ा हुआ तब जो है ना वो सरकार बना पाया है, अपना कुछ वजूद नहीं है। देखिए वो सब जो है ना क्रिमिनल है, अभी देखिए बेल पर घूम रहे हैं, समझ गए ना? वो सब जो है ना चोर लबाड़े हैं, सारे ठगबंधन गठबंधन वाले हैं, ये सब एक मंच पर आ गए हैं और ये बेल पर घूम रहे हैं। आने वाला समय में जो है ना भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा पूरा, चारों तरफ राम राज्य छा जाएगा। जहाँ जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद के आएगा। बार बार इनकी झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन ये तो कहते हैं खरीद फिरोध करके भाजपा अपनी सरकार बना पाती है, जनता के समर्थन से तो आज तक इनकी सरकार नहीं बनी है। अभी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगा ना, फिर यही वाला रोना रोएंगे खरीद फरोख। इनका आदत हो गया है, कभी ये पर बोले ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, कभी कहेंगे कि जबरदस्ती ईडी और सीबीआई परेशान कर रहा है, हम चोर नहीं है। जब सारा प्रूफ मिल जाता है, साबूत मिल जाता है, तब ये नाटक करते हैं। तो ये जो है ना अब इनके चलने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है। आने वाला समय में योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारा भावी प्रधानमंत्री है, वही देश को चलाएंगे। ऐसा जो है ना भारत मन बना चुका है, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये मोदी वाला बदलता भारत है। पहले हम कहते थे कि जो जीता वही सिकंदर, आज हम कहते हैं जो जीता वही नरेंद्र। मोदी रोको अभियान में सब लगे हुए हैं, वो विपक्ष बोलते हैं हम आने नहीं देंगे, हम कहते हैं मोदी जी को जाने नहीं देंगे। तो हमारा भारत का जो है ना विश्व में डंका बज रहा है। पहले देखिए हमारा जो प्रधानमंत्री को विदेश में बंदूक की मुठ से मार के स्वागत किया जाता था, आज बदल चुका है भारत। आज हमारा नरेंद्र मोदी साहब विदेश जाते हैं तो उनका पैर छू करके दूसरे देश का प्रधानमंत्री इस्तकबाल करता है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री जो है ना हमारा नरेंद्र मोदी साहब का जो है ना इज्जत करता है, इस्तकबाल करता है। कोई दौड़ता है बोस, मोदी इज द बोस, कोई गले मिल रहा है, कोई बोलता है ऑटोग्राफ। तो ये भारत देश बदल चुका है, आज सारा देश जो है ना राममय हो गया है, भगवामय हो गया है। सारा देश कह रहा है कि राम शरणम मम, श्री राम प्रभु का मंदिर खेल खेल में बना के दे दिए, 370 खेल खेल में हटा दिए। पत्थरबाजी होती थी, 500 रुपया प्रति नग, प्रति व्यक्ति पर हेड 500 रुपया पेमेंट करता था पत्थरबाजी करने के लिए। देखिए पत्थरबाजी कहीं नहीं होती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहीं से आवाज आता है तो मेरे को बता दीजिए। लेकिन 370 से गरीब लोग कहते हैं हमको क्या फायदा हो रहा है, हमको कहाँ कौन रोजगार मिल रहा है? रोजगार, अरे भाई आप ना, आज का नौजवान जितना निकम्मा होता जा रहा है ना, सिर्फ फेसबुक रील्स है ना, व्हाट्सएप चैटिंग यही सब करते रहता है, काम धाम कुछ करना है नहीं। जो विरासत में मिला है काम ना उसको करो, किसी का राजमिस्त्री का काम है, किसी का बढ़ई का काम है, किसी का सुनार का काम है, किसी का चमार का काम है, तो किसी का जो है ना मोटर मैकेनिक का काम है, किसी का फ्रिज बनाने का काम, ये काम करना नहीं चाहते आज का युवा। हाँ बस बोलेंगे कि भैया मेरे काम, सबको सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकारी नौकरी बचे आप ही बता दीजिए। सरकारी नौकरी सबको मिले, 150 करोड़ आवाम है, 10 करोड़ आवाम घुसपैठिए घुसे हुए एक कांग्रेस की मेहरबानी से, हाँ ये मोदी सरकार उसको बैठा के खिला रही है। तो हमारा देश बेरोजगार और भूखा नहीं रहेगा तो क्या विदेश होगा? बताइए हमारा जो है ना भारतीय ये संसाधन जो है ना वो बैठ करके खा रहे हैं विदेशी घुसपैठिए। 10 करोड़, 1-2 नहीं 10 करोड़ एक कांग्रेस की मेहरबानी से घुस गए हैं। और ये मोदी जी को हम तो लंगड़ा बना दिए, बैसाखी पकड़ा दिए, वो त्वरित फैसला नहीं ले पा रहे, कड़े फैसला नहीं ले पा रहे। वो तो कहे थे कि 400 सीट, तो 400 सीट नहीं दिए। अगर कुछ भी अगर इलीगल हो रहा है भारत में तो उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। तो क्या कह जाएंगे 370 के ऊपर, ये कहते हैं कि 370 से क्या फायदा हो रहा है गरीबों का? आपको किसने कहा कि फायदा नहीं है, क्या किसने कहा? सर विपक्ष कहते हैं कि 370 से गरीबों को क्या फायदा हो रहा है, जब मोदी जी हर बात पे कहते हैं हम 370 को हटा देंगे, 370 हटा दिए। विपक्ष को छोड़िए, आप वहाँ ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देखिए, कश्मीर खुद जाइए और वहाँ देखिए कि 370 लगने हटने के बाद कितना ज्यादा लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जितने लोगों का कारोबार था टूरिस्ट का वो सारा रिज्यूम कर गया, फिर से स्टार्ट हो गया है। जितने लोगों का बोट का कारोबार था, उसके सामान बेचने खरीदने का कारोबार था, सारा चीज़ अब फिर से रिज्यूम कर गया है।
तो आपको कौन विपक्ष तो ऐसे ही रेडी रहना करता है, उससे उसके बाद पर क्यों जा रही हैं आप? पत्रकार हैं तो कोई आदमी एलिगेशन गलत लगा रहा है तो ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए वहां जाकर। 370 हटने के बाद कश्मीर की कायाकल्प हुई है, समझे? और जो कुछ जो फैमिली उस पर बैठे हुए थे, हर साल 10,000 करोड़ रुपया कश्मीर को डेवलपमेंट सोर्स जाता था। आप ये बताइए वो 10,000 करोड़ रुपया कहाँ जाता था भाई? हर एक साल बजट में कहाँ जाता था? आज वो पैसा दिख रहा है, सब चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो 10,000 करोड़ बिकॉज वहां पर एक यूनियन टेरिटोरी के अंदर आया है। मोदी जी कहते कि 370 को हम वापस नहीं आने देंगे, लेकिन राहुल गांधी कहते 370 को हम जाने नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे? अरे राहुल कुत्ता कहेगा तू, तेरे खोपड़ी में ये है कि नहीं? जाने का वो तो चला गया, बिकॉज संविधान में जो है उसका पावर ही वो लंगड़ा 370 था। अच्छा। हाँ, उसको तो मात्र 10 इयर्स के लिए जो है नेहरू जी ने उसको डलवाया था जबरदस्ती, अम्बेडकर नहीं चाहते थे तो जबरदस्ती 10 इयर्स के लिए टेम्प्रोरी आर्टिकल था वो, तो वो टेम्प्रोरी आर्टिकल तो खुद उसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने कांग्रेस सरकार ने एक्सटेंशन कर 70 साल तक उसको खींचा, अब वो भी चला गया। तो कोई भी जो टेम्प्रोरी आर्टिकल होता है उसको किस आधार पर आप रिज्यूम कीजिएगा, किस आधार पर? कोई लॉजिकल एंडी नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है उसका। इट डाइज ऑन डेथ। सर आपने अखिलेश यादव जी का बयान सुना था, वो कहते हैं वो उत्तर प्रदेश में वापस भाजपा नहीं आने वाली है। भाजपा जो है सबसे ज्यादा वोट लाने वाली है। हाँ, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, पूरे 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये जो है ना अखिलेश यादव, ताड़े गिनेंगे ऊपर। हाँ, ताड़े गिनेंगे बिकॉज वो जो जिस पैमाइश पर काम कर रहा है ना, PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, किस आधार पर आप समाज के लोगों को बांट कर ये ग्रुप बनाते हैं? एक बिहार में आपने बनाया यादव और मुसलमान माई समीकरण, आपको लगता है ये जो PDA बना देना, माई समीकरण बना देना, कितना गलत काम है? आप ये देश है ना जी, ये देश है और समाज है, उसमें जबरदस्ती आप कुछ जाति के कुछ समाज के लोगों को लेकर, आप उसकी संख्या ज्यादा है तो उसको लेकर कहोगे कि हम जीत जाएंगे। ये तो भाजपा के नारों पे सवाल उठाते कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसी के सही बात। आप बांग्लादेश की स्थिति देख लिए ना, क्या हुआ? हाँ, बांग्लादेश में हिंदू बटे थे तो आज कट रहे हैं मुसलमानों के द्वारा, फिरका प्रस्त के द्वारा। भारत में भी होगा, इनको ये दिमाग के फिरे हुए लोग हैं, इनको अमन चैन और साथ में रहने पसंद नहीं है। इनका बचपन से यही सिखाया जाता है, काटो मारो काटो मारो काटो मारो, ये कोई शांति पसंद लोग नहीं है। अभी तक 1400 साल पहले जो इनकी अरब से यात्रा स्टार्ट हुई, और आज जो 1400 साल में इन्होंने 57 डेज बना लिया, तो कैसे बना लिया भाई? तुम अगर शांति पसंद लोग हो तो 57 देश में शांति लाते, डेवलपमेंट लाते, तब तो आपस में तुम खुद लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, तो किस आधार पर दूसरे देश इसको पसंद करेंगे? राहुल गांधी कहते मोदी जी खुद गरीबी से देश में गरीबी फैला रहे हैं। कौन सा गरीबी फैला? आज इकोनॉमिक GDP जो है और इकोनॉमिक वर्ल्ड में इसका सबसे पहले 11th स्थान पर था, 5th स्थान पर है। और भारत का है कि 1947 तक एक मिशन है कि हम वर्ल्ड का नंबर 1 बनेंगे, इकोनॉमी बनेंगे, डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, तो किस तरह से? वो तो बकवास आदमी कहाँ से पढ़ा लिखा है, मतलब हम लोग के यहाँ जो कहता है कि बोड़ा छाप बच्चा, बोड़ा छाप मतलब जो बेचारा को जिसको पढ़ने लिखने का चांस नहीं मिलता अच्छे स्कूल में, तो हम लोग कहते हैं कि आप बोड़ा छाप से पढ़ कर आया है कि लालू यादव का वो कौन सा था, लालू डिवीजन नहीं, वो जो बकरी चराने वाला डिवीजन है, चरवाहा विद्यालय से पढ़ कर आया है, समझे? वही है, हमको लगता है ये राहुल गांधी जो अखिलेश यादव दोनों की पढ़ाई एक ही हुई है, भैंस के सींग पर बैठकर लेफ्ट को राइट बता देना, राइट को लेफ्ट बता देना, इसीलिए वो कहता है, इसीलिए उन्हें वो कहता है कि सो इधर हम ऐसा मशीन बनाएंगे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। आटे
को लीटर में तोल देते हैं और आटा को लीटर में तोलता है। इसका बाप जो है ना जब बिहार गया था राजीव गांधी तो बेगूसराय में गया था, हम लोग भी साथ में थे उस समय, राजीव गांधी के साथ बैठे हुए थे समझे, तो उसका वो लाल मिर्ची जो है वहाँ किसान लोग जो है वो मिर्ची सुखाने के लिए बिकॉज खेत में नहीं सुखा सकते हैं, पक्का मकान कम होता है तो उन्होंने रोड पर ही मिर्ची सुखाते हैं। तो वहाँ क्या बोलता है, एक किसान ने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तो लाल मिर्च है सर, हरा मिर्च और लाल मिर्च में फर्क ये है कि लाल मिर्च महंगा बिकता है समझे। तो वो राजीव गांधी क्या बोलता है वहाँ, कहता है कि आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ सारे किसानों से कि सभी किसान लाल मिर्च ही पैदा करेंगे, हरा मिर्च पैदा नहीं करेंगे। तो जिनको इतना संबंध में नहीं है कि भैया मिर्च तो हरा ही पैदा होता है, सूखने के बाद उसका कलर लाल होता है, रंग लाल बदलता है, तो वो देश क्या चलाएंगे और वो किसानों की स्थिति क्या बदलेंगे, देश की स्थिति क्या बदलेंगे। वो तो मोदी जी को कहते हैं उनके पास डिग्री नहीं है, वो कैसे देश लेंगे, हम तो पढ़े लिखे सरकार एक तरफ है सारी। किसको डिग्री नहीं है, मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं तो इस पर तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा डांटा कि नहीं, केजरीवाल ने सवाल उठाया था ना, तो केजरीवाल ने इसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने लतर लगाई कि ये तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, जांच पड़ताल में सब फेर निकला सत्य निकला। तो ऐसा है कि कुछ फिरकाप्रस्त लोग जो देश में हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े बांटना चाहते हैं, वही लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं मोदी के खिलाफ। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोग, निजी अब तक फिलहाल इतने, देखते रहिए एयर न्यूज।